इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि WhatsApp पर अगर आप कोई स्कैन करते टाइम किसी भी कोड को वहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आता है नो वैलिड QR कोड डिटेक्टेड, तो यहाँ पर क्या दिक्कत रहती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप जो एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए, हेल्प में जाइए व्हाट्सएप में और कॉन्टेक्ट अस या हेल्प सेंटर में जाकर इनसे जो है बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप की जो हेल्पलाइन रहती है उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना है, तो हम ये प्रोसेस कर लेते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर हमें टाइप करना है जो भी हमें वो जो जो लिखा हुआ है उस तरीके से आपको टाइप करना है, नो वैलिड कोड वगैरह QR कोड वगैरह, उसके बाद उसे नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर और नेक्स्ट करने के बाद ये आगे जाएगा प्रोसेस। उसके बाद की बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आएगा, बट सेंड माई क्वेश्चन व्हाट्सएप सपोर्ट पर टिक कर देना है और यहाँ पर आपको इनसे चैट कर लेनी है जो भी यहाँ पर आपका प्रॉब्लम हो QR कोड रिलेटेड। ठीक है, तो वो यहाँ से आप सेट कर इसमें भेज सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये हो गया इसका। दूसरा स्टेप यह है कि प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे अपडेट कर लीजिए, तो ये प्रोसेस रहेगा। बात करते हैं QR कोड से रिलेटेड, क्योंकि ये UPI से चल, जैसे UPI हमारे पास एक था एक्सिस बैंक का। ठीक है, एक्सिस बैंक का था ये, लेकिन ये फ़िलहाल में जो है हमसे डिलीट हो चुका है, हमने अकाउंट बंद कर दिया है। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर उसको रन नहीं कर सकते। अगर हमने उसका डेबिट कार्ड, क्योंकि UPI बनवाया हमने, डेबिट कार्ड डिसेबल कर दिया, तो QR कोड क्यों वैलिड रहेगा? वो भी तो डिसेबल होगा ना, एक दो महीने बाद वो भी डिसेबल हो जाता। तो इसी तरीके के QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो इसी तरीके से प्रॉब्लम आपको आएगी। वैलिड QR कोड स्कैन करिए, डायरेक्टली आपके पैसे जाएंगे। बस जो चीज़ चैटिक्स मैंने आपको फॉलो करने के लिए बताई है वो करिएगा, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।